दोस्तों, मैं हूँ हाशिम राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साथ। तो देख पा रहे होंगे यामहा FZ1 से दोस्तों, ये BS6 वाला वर्जन है और इसमें प्रॉब्लम आ चुका है। इसका जो है यहाँ पर जो है दोस्तों, इसका जो है किलोमीटर चल नहीं पा रहा है। जब गाड़ी रनिंग करता है तो ये हमारा काम नहीं कर रहा है। जो है हमारा मीटर ऑन है यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर हम चेक करेंगे। टायर को हम यहाँ घुमाएंगे तो दोस्तों, इसका आगे टायर से कनेक्ट रहता है, इसका इंजन से कनेक्ट नहीं रहता है। ये यामहा जो हमारा BS6 है, इसका आगे टायर से सेंसर दिया है। यहाँ पर दिखा दें, ये 0 पोजिशन में है, और यहाँ प्रॉपर तरह से हम टायर को घुमाएंगे इस तरह से, तो गाड़ी को उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से टायर को हम वापस घुमाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्किंग नहीं कर रहा है हमारा जो मीटर है। इस तरह से एक बार और हम घुमाएंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा टायर हमारा घूम रहा है, यहाँ पर देख पा रहा होगा। और इस जगह पर प्रॉपर तरह से दिखा दें, कोई तरह से हमारा काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर चाबी को ऑफ कर देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, ये हमारा BS6 गाड़ी है, तो इसमें जो है हमारा इंजन से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दें, इस जगह पे ये जो है हमारा यहाँ पर लगा हुआ है स्पीड का सेंसर, तो इसी से हमारा काम करता है दोस्तों। जब ये हमारा सेंस नहीं कर पाता है तो हमारा जो है स्पीड मीटर नहीं चल पाता है, और भी अलग अलग तरह से प्रॉब्लम आता है। पर नया गाड़ी है, इस तरह से इशू है तो कहीं वायर मतलब कहीं कटने का भी चांस नहीं है। अभी नई गाड़ी है, इसको हम यहाँ से 8 नंबर बोल्ट है, इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से, टिपाना की मदद से इस तरह से ओपन कर लेंगे, और आपको लाइव बताएंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम है इसका। यहाँ से दिक्कत है कि और कहीं आगे से प्रॉब्लम है। तो ये हमारा सेंसर है, देख पा रहे हैं इस तरह से ये दिखता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसको हम WD-40 यूज करेंगे यहाँ पर, और एक बार चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये सेंसर जो है ख़राब हो जाता है, सेंस नहीं कर पाता है, तो प्रॉब्लम आते रहता है, तो इसको चेंज करना पड़ता है। तो अभी हम एक बार चेक करेंगे। कभी कभी क्या है, इसमें डस्ट पार्टिकल भी आ जाता है, तो ये सेंस नहीं कर पाता है। तो इसको हम प्रॉपर तरह से, ये हमारा WD-40 है, इस तरह से इसको यूज करेंगे यहाँ, और आपको लाइव बताएंगे ये काम करेगा या हमारा सेंसर को चेंज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिए एंड तक। तो यहाँ पर जो है इसको हम क्लीन कर लेंगे और चेक करेंगे एक बार, अगर ये हमारा सेंसर काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो ये सेंसर को जो है चेंज किया जाएगा। तो पहले चेक करना पड़ता है प्रॉब्लम कहाँ से है, अदर जगह से भी दिक्कत आता है दोस्तों कभी कभी। और इसको जो है ना प्रॉपर तरह से साफ़ कर देंगे इस तरह से। ये जो है हमारा इस जगह पर सेंस करता है दोस्तों, ये हमारा प्लेट जो लगा हुआ है इस जगह पर दिख पा रहा है भाई। तो ABS वाला जो भी गाड़ी है उसमें इस तरह से यूज रहता है। तो दोस्तों, ABS का काम करता है, पर इसमें जो है हमारा पीछे नहीं दिया है, आगे की ओर है, तो ये जो हमारा किलोमीटर के लिए काम करता है। जब ये हमारा सेंस करता है यहाँ से हमारा टायर कितना रनिंग में है, तो वहाँ पर शो करता है वो। तो कभी कभी इस तरह से डस्ट पार्टिकल आ जाता है, तो प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाता है। तो इसको लगा लेते हैं और चेक करेंगे हमारा काम करता है नहीं करता है। काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो इसको चेंज किया जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, आगे का भी आपको दिखाएँगे किस तरह का प्रॉब्लम आता है और कहाँ कहाँ से इसको चेक किया जाता है। तो फिलहाल स्टार्टिंग में हम यहीं से चेक करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है यहीं से, ये हमारा प्रॉपर तरह से लग चुका है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर हम चाबी को फोन करेंगे इस तरह। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा 0 में है, और यहाँ पर हम चक्का को इस तरह से घुमाएंगे टायर को। ये जो व्हील है दोस्तों, इसको इस तरह से हम घुमाएंगे और चेक करेंगे हमारा वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से तो घुमा लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा प्रॉपर तरह से लाइव दिखा रहे दोस्तों, अभी 0 में है। और यहाँ पर हम टायर को इस तरह से घुमाएंगे, और यहाँ आपको देख पा रहे होंगे इस तरह से प्रॉपर तरह से हमारा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, छोटा छोटा प्रॉब्लम आ जाता है गाड़ी के अंदर, डायरेक्टली जो है सेंसर को चेंज नहीं करना है। यहाँ पर चाबी को इस तरह से ऑफ कर देते हैं, तो इस तरह से दिक्कत आ जाता है दोस्तों, उसको चेक करना पड़ता है कहाँ कहाँ से दिक्कत आता है दोस्तों। यहाँ पर जो अगर सेंसर हमारा नहीं काम करता, तो पहले हम सेंसर को चेक करते हमारा सेंसर सही है या नहीं है, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते। तो छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है दोस्तों, इस तरह से दिक्कत आता है, तो यहाँ से चेक करना चालू करें। तो इस तरह से हम टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा बेल आइकन ऑन करो, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज तक के वीडियो यहीं करते हैं।